बापू की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कदम रखे तो पूरी दुनिया बस देखती ही रह गई। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने अपने भारत दौरे की शुरुआत अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से की। एयरपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे। देखिए, पीएम मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जैसे ही साबरमती आश्रम पहुंचे, ये शानदार नजारा किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। सबसे पहले गांधी आश्रम के ट्रस्टी अमृत मोदी ने ट्रंप को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस दौरे पर साबरमती आश्रम में हुई वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया। ट्रंप ने अपने जूते उतार कर और हाथ जोड़ कर महात्मा गांधी को नमन किया और फिर दोनों ने गांधी की फोटो पर सूत की माला चढ़ाई। साबरमती आश्रम में ट्रंप और मेलानिया ने चरखे पर सूत काता और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे। ट्रंप और मेलानिया का यहां पर एक अलग ही रूप देखने को मिला। देखिए, पहले आश्रम की महिला ने ट्रंप को बताया कि कैसे सूत काता जाता है। इसके बाद मेलानिया ने चरखा चलाया और ट्रंप ने सूत काता। गांधी जी जहाँ काम करते थे वो रूम देखा, कमरा देखा। कमरा के बाद जो यहाँ एक हम चरखा जो हम चलाते हैं, खदर बनाते, तो वो भी उन्हें देखा। बैठ भी गए वहाँ देखने के लिए कि कैसे ये यंत्र चलता है। ट्रंप साहब और उनकी पत्नी जो चला रहे थे, धागा नहीं हो रहा था, तो मोदी साहब ने बताया, पीएम मोदी साहब ने कि आप आइए, उनको बताइए। तो फिर हम आए और उनको बताया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुई से कैसे धागा हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप को गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में भी जानकारी दी और प्रेरणा स्रोत बंदरों के प्रतीक चिन्ह भी दिखाए। माना जाता है कि ये बंदर बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया के बाद उनकी बेटी और प्रतिनिधिमंडल सदस्य इवांका ने भी साबरमती आश्रम का दौरा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने साबरमती आश्रम में लगभग 15 मिनट बिताए। इसके बाद गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी और ट्रंप दोनों मोटेरा स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, साबरमती नदी किनारे बसे गांधी आश्रम की स्थापना आजादी से पहले सन 1915 में बापू ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद की थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। बाद में 1917 में यह आश्रम साबरमती आश्रम कहलाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।